अस्सलाम वालेकुम। हम जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो यूज़ कर लें, उनको इस्तेमाल में ला लें, लेकिन फिर भी हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है ना हर टाइम काम करना पड़ता है। और जितना भी हमारे घर में क्लटर होता है, हमें उन्हें ठीक है एक दिन निकाल के सब चीज़ों को वेल मैनेज करके तो अपने घर को ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है। ठीक है, इस तरह के जो डब्बे होते हैं पिज़्ज़ा के या हमारे शूज़ वगैरह के, काफ़ी ज़्यादा जो है ना जमा हो जाते हैं और हम जो है ना उन्हें एक साइड पर लगाते जाते हैं। और जब ये देखें इतने ज़्यादा ये ना जो है ना गैलरी पे और साइडों पे ये भर चुके थे, तो आज जो है ना मैंने सारा जो है ना टाइम निकाल के ना, काफ़ी टाइम मेरा लग गया था और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो ये सारे कार्टन जो थे ना और कुछ जूतों के थे और कुछ पिज़्ज़ा वगैरह के डब्बे इतने ज़्यादा जमा हो गए थे, इन सब को मैंने एक बड़े कार्टन में डाल दिया। और जिस तरह के मैं आपके सामने डाल रही हूँ, इतना ज़्यादा बखेरा था कि इनको समेटते समेटते जो है ना वो है काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, सारे कार्टन के अंदर ये इस तरह के सारे छोटे वाले बॉक्सेस जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इस तरह के जो सारे गत्ते और डब्बे थे उनको मैंने साइडों पे कर दिया। और जितनी भी फिजी ड्रिंक्स की जो बॉटल्स होती हैं वो उन सबको मैंने ना एक साइड पे करके, जो इस तरह के खाली जो चीज़ें होती हैं ना उसके अंदर डाल के, मैंने बोरे के अंदर डाल के तो मैंने उसको एक साइड पर कर दिया। ये देखिए सारी जो बोतलें वो मैंने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो क्लटर है ना वो एक साइड पर हो गया। और इसी चीज़ों में से हमें काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो मुझे मिल गई। इस तरह से मैं इन चीज़ों को काफ़ी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, इनको हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये मेरे पास ना निम्को का एक खाली शॉपर पड़ा हुआ था। ठीक है, इसको मैं इतना मजबूत है, इसके हैंडल भी थे, तो इसको मैंने दोबारा से रीयूज़ करने के लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊँगी। इस तरह के जो बच्चों की होती है ना फीस स्लिप वगैरह, जो हमारे घर में जो बिल आते हैं वो इधर उधर बिखरे होते हैं, इन सब चीज़ों को आप इस तरह के किसी भी शॉपर में या हैंगिंग बैग में डाल के ना, तो आप इसको इस तरह एक साइड पे जो है ना वो हैंग कर सकते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा कि आपका जितना भी घर में क्लटर है ना वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और इस तरह के जो पता है ना आपको, ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, हम इनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि आजकल छुट्टियां हैं और बच्चे जो हैं समर वर्क करते हुए अपनी चीज़ें हैं जो इधर उधर काफ़ी ज़्यादा बिखेर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक के अंदर तो मैं बच्चों के क्लिपबोर्ड वगैरह डाल दूंगी, उनकी जितनी भी कॉपीज थी और समर वर्क वगैरह था बिखरा हुआ था सारा, वो मैंने इस तरह के एक शॉपर में डाल दिया। ठीक है, ताकि वो मैं इसको साइड पे हैंग कर दूं और जब भी बच्चों ने काम करना हो तो वो आराम से उधर से उतार के जो है ना इसको दोबारा से ना यूज़ करें। ठीक है, लिखने बैठे और उनको ताकि पता हो, ताकि बच्चों को भी इतने मैनर्स आएँ कि हमने अपनी चीज़ को जिधर से लेना है और उनको उसी में डाल के तो साइड पर कर देना। ठीक है, ये देखें ये कुछ स्कूल के बैग्स थे, इसको मैंने डाल के, ठीक है, इनकी सारी जो बुक्स थी ना वो मैंने इस तरह समेट के जो है एक ड्रॉअर में रख दी, ताकि बच्चे इधर से ही उठाएं और इधर से ही रख दें। और कुछ जो बैग्स थे वो मैंने इधर जो है ना हैंग कर दिए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है जो है माचिस की। ठीक है, माचिस तो आपको पता है कि हर घर में लाजमी यूज़ होती है, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसकी जो जो इस तरह की जो होती है ना, यूज़ करने के बाद इसकी जो बारीक बारीक सी तीली होती है वो हम इसको फेंक देते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनका बखेरा होता है, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती मैं आपको टिप बताऊँगी। आपने करना क्या है, एक खाली माचिस ले लेनी है, उसके आपने ऊपर आपने लगानी है डबल टेप लगा लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से ग्लू गन से उसकी थोड़ी सी जेल लगाएं। ठीक है, उसके ऊपर हम जो है ना वो माचिस रख देंगे। इस तरह ये इतनी मजबूती के साथ जुड़ जाएगी कि जब हम इस तरह से माचिस का इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है ना इसकी खाली जो मसाला मैच बॉक्स होगी नीचे नहीं फेंकेंगे, अब हम जो है ना उसके नीचे वाली में डाल के तो रख देंगे। इस तरह से जो घर में क्लटर होगा ना वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगली जो टिप है वो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास होने वाली, ये है माचिस की टिप। ठीक है, आपको पता है कि आजकल जो है बरसात होने वाली है शुरू, और जो है ना जो हमारी माचिस है ना वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। और अगर आपके घर में कोलगेट टूथपेस्ट है, कोई भी कोलगेट टूथपेस्ट आपने ले लेनी है, थोड़ी सी आपने ना एक मैच बॉक्स के ऊपर लगा लेनी है, और जैसे ही वो खुश्क होगी ना तो आप देखिएगा जो आपकी माचिस जो है ना वो बिल्कुल गीली गीली और सलाबी हो जाएगी ना, तो वो दोबारा से ना आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं और आराम से वो चल जाएगी। ठीक है, इस तरह की ग्लू गन जो होती है आपको पता है ये बहुत ज़्यादा DIY में यूज़ होती है, तो इसके लिए अगर आपके पास जो ग्लू स्टिक वो नहीं है तो इसके लिए आप एक साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं आइडिया आपको साथ शेयर करूँगी। आपने इस तरह का स्ट्रॉ ले लेना है, ठीक है, जो कि हम ड्रिंक्स के साथ लेते हैं। ठीक है, उसके साथ ही मैंने इस तरह का एक वाइट कलर का ना जो शॉपर ले लिया, जो कि अक्सर हमारे चीज़ों के सब्जियों वगैरह के साथ आते हैं, उसके अंदर जो है ना मैंने इस तरह के जो स्ट्रॉ को रख के ना इसको बहुत ही ज़्यादा टाइटली मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता साथ ना मैंने इसको इसी तरह से रोल करते जाना है। इसको इतना रोल करना है कि इतना ज़्यादा हार्ड हो जाए। ठीक है, इतने
हार्ड तरीके से मैं इसको कर रही हूँ कि ये बिल्कुल सख्त हो जाए, ठीक है। आपने इसी तरह से इसको सारा रोल करते जाना है। अब मैं बताऊंगी कि आपने इसको करना क्या, ठीक है। इसको रोल करने के बाद जो है ना, मैं सीजर की मदद से ना इसको साइड जो है ना साइड से आधा कट कर दूंगी, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मैं इसको काट दूंगी, ठीक है। इसको मैं दोनों साइडों से जो है ना बराबर कर लूंगी। अब मैं आपके सामने ये देखिए मैं करती किया हूँ। अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है ना, तो आपने ये इस तरह से इसको कट कर देना है और इतना इसको हार्ड करना है ना, इसको हाथों से मैंने दोनों साइडों से अब बिल्कुल इस तरह फोल्ड कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल सख्त हो जाए, बिल्कुल एक ग्लू स्टिक की तरह से ना चलने लग जाए। ये बिल्कुल एक मैजिक तरीके से है। अब ये देखें, मैं इसको अंदर ग्लू स्टिक के अंदर मैं इसको डाल दूंगी और पीछे से जो है ना वो मैंने ग्लू स्टिक चला दी। अब आपके सामने जो है ना ये जो है ना गर्म होकर, ये देखें ये दीवार पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ये देखें ग्लू स्टिक जो है वो बाहर आ रही है आपके सामने है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप इसको आराम से इस तरह से घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आप इस तरह से मैजिकली ग्लू स्टिक जो है वो बना सकते हैं। होप सो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपके सामने नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।